नमस्कार दोस्तों, मैं सुखपाल सिंह करदम, करदम आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी बूटी, ऐसे पेड़ की छाल की पहचान कराऊंगा जो कि मर्द पुरुषों के लिए और महिलाओं के दोनों में काम करती है। ये उस पेड़ की छाल है। पुरुषों में जैसे जो अपने महिला पार्टनर को जो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, जो जल्दी स्खलित हो जाते हैं, जिनको शीघ्र पतन की बीमारी है या धात की बीमारी है, उसमें यह बहुत काम करता है। और महिलाओं के, माताओं बहनों के लिए जैसे श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर हो, यह उन दोनों में काम करता है। ये देखिए, इस मैं आज आपको इस पेड़ की छाल से अवगत कराऊंगा, इस पेड़ से अवगत कराऊंगा, इसका पेड़ का नाम बताऊंगा और इसके गुणधर्म और फायदे बताऊंगा। आइए चलते हैं इस पेड़ के पास। देखिए दोस्तों, ये इस पेड़ की छाल है और ये रहा पेड़, ये है, ये पेड़ है। इस पेड़ का नाम है फालसा। फालसा, इस पर फल लगते हैं छोटे छोटे, लाल कलर के होते हैं, पके होते हैं, मीठे अच्छे लगते हैं बहुत। आप इसको अच्छे से पहचान लीजिए, फिर मैं इसके बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगा। ये फालसा है, ये देख लीजिए, ये इसके पत्ते हैं, ये इसके पत्ते, ये है फालसा। और ये इसकी छाल मैंने यहाँ से उतारी है, ये देखिए। ये ध्यान रहे कि छाल को ऐसे उतारें कि इसके पूरी चमड़ी ना उखड़ पाए। ये मैंने यहाँ से इसको उतारा है, ये इतना उतारें कि ये पूरी चमड़ी इसकी ना उखड़ पाए, ताकि पौधा, अगर इसको सारे को उतार देंगे हम तो ये पौधा सूख जाएगा, फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। ये हमारी जड़ी बूटी के पेड़ हैं और इनका दोहन नहीं होना चाहिए। ये देख लीजिए, इसको आप अच्छे से, मैं आपको पहचान कर देता हूँ। इसमें दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। ये नर है, ये देखिए, ये नर है। और अभी मैं आपको फिर मादा, पहले नर को आप अच्छे से पहचान लीजिए। इसके चौड़े पत्ते होते हैं और नर के चौड़े पत्ते होते हैं, मादा के कुछ पतले पत्ते होते हैं, कुछ पान की तरह इसके पत्ते दिखाई दे रहे हैं। ये आप इसको अच्छे से पहचान लीजिए, ये देखिए, ये फालसा हुआ। खाने में खट्टा मीठा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये गुणों से भरपूर है पेड़ ये। अभी आइए चलिए, मैं आपको मादा की पहचान कराता हूँ। जो ये नर है, नर में ही ज़्यादा गुण, इसकी छाल में ज़्यादा गुण होते हैं। इसको, नर को ही यूज करें आप, जब भी इसकी छाल को इस्तेमाल करेंगे नर को ही इस्तेमाल करें। मादा काम नहीं करती है, मादा की छाल काम नहीं आती है। आइए देखिए, ये मादा का है। ये दो पेड़ आसपास में ही खड़े थे तो सोचा कि आपको मैं पहचान करा दूं। ये मादा है, ये देखिए, इसके पत्ते छोटे हैं, ये इसका तना है और ये मादा है। आप इसकी अच्छे से पहचान कर लीजिए, फिर मैं इनके बारे में बताऊंगा इसका कैसे इस्तेमाल होता है। मादा का आपको इस्तेमाल नहीं करना, ये तो मैं खाली आपको एक पहचान करा रहा हूँ, ताकि आपको इनके दोनों में अंतर स्पष्ट नज़र आ जाए, पता लग जाए। यूज करना है आपको नर को ही, जिसके चौड़े पत्ते होते हैं, पत्तों से पता लग जाता है। इस पर फल भी छोटे छोटे लगते हैं, जो मादा होता है इस पर फल छोटे छोटे लगते हैं और नर पर मोटे फल लगते हैं। आइए अब उसके बारे में बात करते हैं हम, इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है। पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में ही अच्छे से काम करता है ये देख लीजिए। ये आ गए हम नर के पास। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। इसकी छाल को उतार के, आप जैसे मैंने ये थोड़ी सी उतारी है, मैंने तो आपको दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ये मैंने थोड़ी सी छाल उतारी है, और आप करीबन आधा किलो छाल उतार लें, आधा किलो छाल उतार के और इसको किसी चीज़ से अच्छे से कूट लें, पत्थर से कूट लें, साफ सिलबट्टे पे कूट लें, तो कूट लें मतलब ऐसा कूट जाइए कि जो इसका अंदर का रस है वो पानी में सम्मिलित हो जाए। इसको बारीक कूट करके, और जैसे ये आधा किलो है तो उसमें 1.5 से 2 लीटर पानी डाल दें, और डालना है कच्ची मिट्टी की हंडिया में, जो कच्ची मिट्टी की हंडिया होती है उस मिट्टी की हंडिया में इसको डालना है। आपने आधा किलो छाल में
डेढ़ से दो लीटर पानी इसमें आपने डाल दिया, तो जैसे आज आपने आप सुबह के टाइम इसमें आपने डाला, तो आज का दिन पड़े रहें तो उसको ढक के रख दो, आज का दिन पानी पड़े रहें दो, कल भी सारा दिन पड़े रहें दो, आज का दिन और कल का दिन दो दिन इसको पड़े रहें दो, उससे अगले दिन तीसरे दिन सुबह ये पीने योग्य हो जाता है। तो जैसे पुरुषों को समस्या है, जैसे मैंने आपको बताया शीघ्र पतन की, स्खलित की और धात की बीमारी की, या फिर पेशाब में वीर्य जाना, पेशाब में जलन, ये सारी चीज़ों में ये पुरुषों में काम करता है। तो सुबह के टाइम चाय नहीं पीनी है, चाय आप छोड़ देना, जब तक तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है तब तक आप चाय मत पीना। सुबह के टाइम एक गिलास, जो छोटा वाला गिलास होता है, एक कप के बराबर होता है, इतना बड़ा होता है, ये हम आपको दिखा देता हूँ, जो छोटा वाला गिलास होता है, कप ही मान लीजिए, इतना बड़ा जो गिलास होता है, इतना बड़ा छोटा वाला कप हो के बराबर जो छोटा वाला गिलास होता है, उस गिलास में आपको छान के सुबह खाली पेट पी लेना है, ये तासीर में बहुत ठंडा होता है। एक कप, कप ही मान लीजिए आप उसको, एक कप सुबह पीना है, ये बहुत ही राला राला सा चिपक चिपचिपा होगा, आप बकबका लगेगा, आप उसको पी जाइए, ये कोई शरीर के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। मैं फिर बता रहा हूँ, तासीर में बहुत ठंडा होता है ये, तो एक कप तो आपको सुबह पीना है, और एक कप खाना खाने के बाद रात को सोते समय पीना है, और इसमें ज़्यादा तला भुना ना खाएं, और खटाई तो बिल्कुल ना खाएं, ये देख लीजिए, खट्टा बिल्कुल ना खाएं, और तासीर में ये बहुत ठंडा होता है। आप जैसे चार पाँच, इसको ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा दिन तक नहीं पीना है, जैसे वो आप 2 या 3 दिन, 3-4 दिन आपका अगर वो पानी चल गया है, पानी कम हो गया है, तो उसमें पानी आप और मिला दीजिए, जब तक ये आपकी समस्या ठीक नहीं हो जाती है, आप उसमें पानी और मिला दीजिए और दोनों टाइम इसको पीजिए, तो आप देखते ही देखते आपकी 2, 4, 5, 7, 8 दिन में आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। जब भी आपकी समस्या ठीक हो जाए तो इसको पीना आप बंद कर दें, क्योंकि इसका तासीर बहुत ठंडा होता है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर देगा शरीर को ये। वैसे जब तक आपकी समस्या है जब तक कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन जब आप समस्या से निजात पा जाएंगे फिर इसको आप बंद कर दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जिनको भी बीमारी है, समस्या है, वो लोग इसका इस्तेमाल करें, इसको शौकीन लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो शौकिया लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनको कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, वो इसको थोड़ा से थोड़ा इस्तेमाल करें, जैसे वो जिनको बीमारी समस्या है वो एक कप का इस्तेमाल करें, और जिनको जो शौकिया लोग हैं, जैसे कुछ लोग अपनी टाइमिंग, सेक्स पावर टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा सा आधे कप से थोड़ा ज़्यादा लें, जिनको समस्या है वो तो पूरा एक कप लें या छोटा वाला गिलास लें, और जिनको समस्या नहीं है, जो लोग शौकीन अपनी टाइमिंग सेक्स पावर क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग आधे कप से थोड़ा ज़्यादा लें, और वो भी खटाई का जरूर ध्यान रखें, खटाई बिल्कुल ना लें सुबह और शाम दोनों टाइम, जैसे जिनको समस्या है जैसे बोलेंगे वैसी प्रकार बोलेंगे जो लोग शौकीन है इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये तो समस्या हुई पुरुषों के लिए, अब माताओं बहनों में ये किस तरीके से काम करता है, ऐसे ही करना, छाल उतारनी है, जितना पानी मैंने पुरुषों के लिए बताया उतनी ही छाल में उतना पानी डालना है, वैसे ही सेम प्रक्रिया करनी है। लेकिन महिलाओं के लिए जिनको बहुत पुरानी लिगोरिया की बीमारी है, श्वेत पत्थर की बीमारी है, उसके लिए बहुत ही कारगर यूज़ कर, उसमें जैसे बहुत ही पुराना है, तो आपको जो छोटा वाला कप का मैंने गिलास बताया है, उससे एक थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 कप के करीब, 1.5 कप सुबह पीना है और 1.5 कप उनको शाम को पीना है, सोते समय सुबह खाली पेट पीना है, खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, खटाई का विशेष ध्यान रखना है, और सुबह चाय छोड़नी पड़ेगी, चाय मत पीना, जब तक आपकी समस्या, बहनों की समस्या नहीं हो जाती समाप्त, तो तब तक चाय नहीं पीनी है। ये देखिए, मैं बहुत ही ऐसी जड़ी बूटी, ऐसे पेड़ का मैं आज आपको बता रहा हूँ जो इसका सदियों से इस्तेमाल होता चला आया है। और एक काम और करना है बहनों के लिए, जिनको ज़्यादा पुरानी समस्या है, वो नहाते समय टब में पानी भर लें, इसको तो आप छाल को लेते ही रहेंगे दोनों टाइम, नहाते समय या तो फिटकरी जो होती है, फिटकरी को बारीक पीस के जब एक टब में पानी भर लें और उसमें 1 चम्मच फिटकरी डाल दें, जब वो नहाएं तो उसमें थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, बैठ के उठ जाएं और उसके बाद फिर वो नहा लें, क्योंकि महिलाओं के जो गुप्तांग में इसके जो लिकोरिया के जो कीटाणु होते हैं, बाहर से वो कीटाणु फिटकरी मारेगी उनको और अंदर से ये ठीक, ये सही करेगी, तो देखते देखते उनकी भी समस्या जल्दी समाधान सही हो जाएगी। ये बहुत ही अजमाया हुआ
और बहुत लोगों का प्रयोग किया हुआ ये फॉर्मूला है। ये मैं आप आज मैंने आपको इस पेड़ से मैंने अवगत कराया, और इसकी छाल को थोड़ा ऐसे उतारें ताकि पूरा पेड़ ना सूख पाए, क्योंकि पेड़ सूख जाएंगे तो फिर हमें जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर हमें जड़ी बूटियाँ नहीं मिल पाती हैं। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और बहनों में और भाइयों में दोनों बड़े से अच्छे से आराम करता है ये। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में लिखें। और किसी को पहचान नहीं हो पा रही है नर और मादा की, तो आप मुझे इसके पत्ते भेज कर व्हाट्सएप पर भेज कर कन्फर्म कर सकते हैं, मैं उनको कन्फर्म करा दूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।